टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल जो था वो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हुआ था, पैसा उसूल मैच था। अब एक बार फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका एक दूसरे से भिड़ने वाले, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज की शुरुआत होने वाली है और बीसीसीआई ने इसको लेकर टीम का ऐलान किया। ऐलान उस वक्त हुआ है जब इंडिया टेस्ट में शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही है, इमर्जिंग एशिया कप में हमारे लौंडे जो हैं वो हार कर आए, लेकिन ठीक है, आर टीम का अनाउंसमेंट हुआ है सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में। गौतम गंभीर के राह में हम कई जगह हारे लेकिन टी20 में हम अच्छा कर रहे हैं और इसीलिए इस बार नजर है, क्योंकि इस बार टी20 का रियल टेस्ट है। दो वजह, एक साउथ अफ्रीका के सामने मैच है, साउथ अफ्रीका बहुत टैलेंटेड टीम है, साउथ अफ्रीका के अंदर वो बहुत खतरनाक है। दूसरा, हमारे कई अच्छे लड़के हैं जो बॉर्डर गवास्कर में गए हैं और इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, तो एक नए लड़कों को लेकर नई टीम बनाना जाना ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पिछली सीरीज जो थी उससे भी अलग सीरीज ये, मतलब श्रीलंका की सीरीज हो या बांग्लादेश की सीरीज हो, उनसे कहीं अलग ये सीरीज है, क्योंकि इसमें अलग अलग लड़के होंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। जैसे मयंक यादव साहब बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस है कि 3 IPL मैच खेला फिर बाहर हो गए, यहां पर आए फिर बाहर हो गए, ये काफी डिसअपॉइंटिंग है यार मयंक यादव को लेकर, यार मतलब उनकी फिटनेस एक बहुत सीरियस कंसर्न है। मैं पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यार, हम उन्हें और देखना चाह रहे थे, उनके बारे में चर्चा चल रही थी कि यार उन्हें बॉर्डर गवास्कर ले जाया जाएगा, यहाँ वो टी20 के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इतनी इनकंसिस्टेंसी से IPL में भी जो टीम है उन पर दांव लगाएंगी, ये कहा जा रहा 14 करोड़ का सिलेक्शन 18 करोड़ का, बट अगर आप 3 मैच खेलने के बाद चोटिल हो जाओगे बार बार, 2 मैच खेल के, तो फिर बड़ा सीरियस कंसर्न है। शिवम दुबे ऑलरेडी टीम से अंदर बाहर हो रहे थे वर्ल्ड कप के बाद से, वो भी इंजर्ड है, बिना खेले इंजर्ड हो गए पिछली सीरीज में, इंटरेस्टिंग है। रियान पराग साहब जो है उनको भी चोट लगी है, ये भी अगेन एक सीरियस केस है। तो ये 3 खिलाड़ी जो पिछली सीरीज का हिस्सा थे, रियान पराग, आपके मयंक यादव और शिवम दुबे, इन तीनों को जगह नहीं दी गई है बिकॉज ऑफ फिटनेस, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे। जितने लोग बॉर्डर गवास्कर खेलने जा रहे हैं, जैसे शुभमन गिल हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, जयसवाल हो गए, या और भी जितने नाम आप जानते हैं XYZ, वो सारे ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। पिछली सीरीज के हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। वॉशिंगटन सुंदर थे, उनका सिलेक्शन बॉर्डर गवास्कर में हो गया है, तो यहाँ उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिनको उधर शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ पर इनका नाम गायब कर दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर वो साउथ अफ्रीका खेलने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका नहीं जा पाएंगे। उधर कई और खिलाड़ी हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया ए में भेजा गया है, जैसे ईशान किशन को भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया ए के दौरे पर, ऋतुराज गायकवाड़ को भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया ए के दौरे पर, वो भी टी20 टीम का हिस्सा नहीं। तो ये बड़ा मिक्स मैच है कि आधी टीम इधर जा रही है, आधी टीम उधर जा रही है और एक टीम इधर आ रही है, इतनी सारी टीम है। लेकिन ये सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसीलिए सीरीज में कई नए लड़कों को मौका मिला, जैसे विजय कुमार विश्यक जो है उनको मौका दिया गया है, RCB से खेलते हैं, रमनदीप सिंह को मौका दिया गया और रमनदीप के लिए पर्सनली बहुत हैप्पी हूँ मैं, बहुत हैप्पी हूँ कि रमनदीप ने इमर्जिंग एशिया कप में अफगानिस्तान के सामने जो पारी खेली, जिस तरह का जुझारूपन दिखाया, उसके बाद जगह उनकी बनती थी, उनको डेब्यू मौका मिला है अफगानिस्तान के सामने जब सारे बल्लेबाजों ने हार मान ली थी, तब ही वॉज अ लोन वॉरियर, 34 गेंद पे 64 रन, 8 चौके 2 छक्के, एंड आई थिंक उनकी तारीफ होनी चाहिए। जब वो बैटिंग करने आए थे तब 100 पे 5 था, आखिरी गेंद तक वो लड़का कोशिश करते रहा, सो आई थिंक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग था कि रमनदीप ड्यू था। और ऑल्सो जब आप टीम में से नीतीश कुमार रेड्डी को ले गए हो, रियान पराग नहीं है, तो एक ऑलराउंडर के तौर पर रमनदीप की जगह बनती है, रमनदीप को मौका मिलेगा, रमनदीप शायद खेलते हुए भी नजर आए, रमनदीप को आई कैन सी इज अ वेरी गुड प्लेयर, और उनको मौका मिला तो वो छा जाएंगे, मुझे लगता है कि वो छा जाएंगे, लंबी रेसे घोड़े हैं, अच्छे प्लेयर हैं, तगड़ा खेलते हैं। मयंक यादव चोटिल थे तो वो बाहर गए, उनको मतलब उनका जैसे मैंने कहा सीरियस कंसर्न है, आप 2-2 मैच खेल के चोटिल हो रहे हो, कई लोग तो मीम्स बनाने लगे कि यार दीपक चहर जो है वो बेहतर है, कम से कम मौका तो मिल जाता है खेलने का। संजू सैमसन को भी टीम में जगह दी गई, नहीं नहीं आप कहेंगे यार संजू ने शतक मारा था उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो, लेकिन यार संजू की किस्मत अजीबोगरीब होती है, तो हमें लगा बता दे कि संजू सैमसन को रखा गया, यहाँ पर वो खेल रहे हैं। दुबे साहब गए, पराग साहब नहीं है, मयंक साहब नहीं है, ये बाहर गए हैं। जो स्क्वाड है एक बार आपको बता देते हैं, सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा को जगह दी गई है, संजू सैमसन को जगह दी गई है, रिंकू सिंह को जगह दी गई, तिलक वर्मा को जगह दी गई। तिलक वर्मा का सिलेक्शन मेरी समझ से परे है, मेरी समझ से परे इसलिए क्योंकि तिलक वर्मा ने कुछ किया नहीं यार, इमर्जिंग एशिया कप में वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहे, डिसअपॉइंट करते नजर आए, ना इंटेंट था ना रन थे, अगर इंटेंट होता रन नहीं हो तो भी समझ में आता, बट अनफॉर्चुनेटली उनका इंटेंट भी नहीं था, उन्होंने कोशिश भी नहीं की।
200 प्लस के स्कोर में भी वो 114 120 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। फिनिशर्स में हार्दिक पांड्या का नाम है, विकेट कीपर में संजू और जितेश है, ऑलराउंडर इंडिया के पास अक्षर पटेल है, रमनदीप सिंह है, ये इंडिया के पास ऑलराउंडर है। स्पिन में वरुण चक्रवर्ती है, रवि विश्नोई है, पेस अटैक में अर्षदीप है, आवेश खान है, यश दयाल है, विजय कुमार विश्यक है। ये इंडिया की टीम जो है T20 को लेकर है, 4 मैचों की सीरीज T20 और 8 नवंबर से खेली जाएगी, जिसमें इस टीम का सिलेक्शन किया गया, 4 T20 मैच। ये टीम ऑलमोस्ट वही टीम रहेगी यार, ओपन अभिषेक और संजू कर लेंगे, 3 नंबर पर आपके आ जाएंगे सूर्य कुमार यादव, 4 पर आपके पास आ जाएंगे शायद रिंकू सिंह, 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पर मेरे हिसाब से अक्षर पटेल, 7 पे रमनदीप, 8 पे वरुण या इनमें कोई एक हो जाएगा, उसके बाद अर्षदीप, आवेश, यश, इनमें से कोई 2 प्लेयर हो जाएगा टीम। ये आई थिंक मोटी मोटी टीम होगी, इंटरेस्टिंग चॉइस है, देखने वाली बात है, कई सारे खिलाड़ी अंदर बाहर है, एक बैलेंस भी है, कई सारे खिलाड़ियों का सिलेक्शन सही भी है, कुछ का सिलेक्शन हैरान करता है, स्पेशली तिलक वर्मा के सिलेक्शन को लेकर मैं हैरान हूँ इस बार। तिलक वर्मा IPL में बहुत शानदार थे, पहले इंडियन टीम के लिए अच्छा कर रहे थे, बट इधर बहुत डिसअपॉइंट किया था, तो परफॉर्मेंस बेस्ड उनका और जितेश शर्मा का सिलेक्शन तो समझ में नहीं आता कहाँ से सडनली दोनों आते हैं, लेकिन ठीक है, शायद पुराने रिकॉर्ड्स देखकर किया होगा, तिलक ने पहले रन बनाए, बट ये टीम इंडिया है। आपको लगता है यहाँ से क्या होगा? मेरी नज़र इस सीरीज में संजू पे रहेगी, बिकॉज संजू और रमनदीप इस सीरीज में 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मुझे लगता है अगर चलेंगे तो सेलेक्टर्स को माइग्रेन मिलेगा कि आगे क्या करें, क्योंकि अगर संजू यहां चल गए तो फिर ऋषभ पंत की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, शुभमन गिल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, वाइस कैप्टन शुभमन हालांकि हैं, अभिषेक शर्मा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, जायसवाल को भी एक बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन मिल जाएगा अगर संजू यहां चल गए 4 सीरीज मैच सीरीज में, क्योंकि आपके पास विकेट कीपर बल्लेबाज अभी भी T20 में परमानेंट कोई नहीं है, और अगर वो ओपनिंग स्लॉट के लिए लड़ रहा है तो फिर इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस, क्योंकि अभी ऑब्वियस चॉइस जो है वो शुभमन गिल और जायसवाल है, बट अगर ये ओपन है फिर से अफ्रीका में रन बनाते हैं जैसा इन्होंने अभी बांग्लादेश सामने किया था, देन इट्स गोना वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं।